वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक और हार का कौन जिम्मेदार? बहुत सारी उंगलियां उठाई जाएंगी। वर्ल्ड कप 2023 के अंदर पाकिस्तान का सफर लगभग खत्म हो चुका है, अब सिर्फ दूसरी टीम्स के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। लेकिन इस मुकाबले के ऊपर बात करते हैं, इस मुकाबले के अंदर किस किस खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन आया, नहीं आया, बहुत सारे खिलाड़ियों कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन किस किस खिलाड़ियों कंट्रीब्यूशन आया। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बाबर आजम, 50 रन मारे 66 गेंदों के ऊपर, रैंकिंग्स का नंबर वन बल्लेबाज, लेकिन एक खराब शॉट खेल के आउट हो गए, एक बार फिर से स्पिन के सामने आउट हो गए। लेकिन नंबर वन बल्लेबाज इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर नंबर वन अंदाज से नहीं खेला, बहुत कम स्कोर आए और जो 50 आया वो मैच विनिंग 50 नहीं आया। हर बार 50 तो कर लिए लेकिन क्या वो मैच विनिंग 50 थे? आपने किसके खिलाफ 50 किया? आपने 50 किया पिछले मुकाबले के अंदर, अफगानिस्तान वाले मुकाबले के अंदर, आपने इस मुकाबले के अंदर भी 50 किया, लेकिन कितने मुकाबले आपके जो 50 थे वो विनिंग कॉज में आए? एक भी नहीं। इंडिया वाले मुकाबले के अंदर 50 है वहां पर आप हार गए, उसके बाद जो दूसरा 50 है अफगानिस्तान वाले मुकाबले के अंदर 74 रन बनाए, आपने 92 गेंदों का सामना किया, वहां पर आपकी टीम हार गई। और अब ये मुकाबला यानी कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मुकाबला, इस मुकाबले के अंदर भी आपका 50 आया लेकिन गेंदे कितनी 66 है। कहीं ना कहीं इसी के बाद से गौतम गंभीर, जिन्होंने बहुत सारा प्रेडिक्शंस किया था वर्ल्ड कप 2023 से पहले कि बाबर आजम कैन सेट दिस वर्ल्ड कप ऑन फायर, उनकी आग तो एकदम बुझ गई और बाबर आजम का भी फ्लॉप प्रदर्शन, फ्लॉप नहीं, ठीक ठाक प्रदर्शन, लेकिन वर्ल्ड नंबर वन वाला प्रदर्शन नहीं दिखा इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। और इसके बाद से भड़के हैं भाई गौतम गंभीर बाबर आजम के ऊपर। क्या कहा है बाबर आजम के लिए गौतम गंभीर ने, आइए जानते हैं। गौतम गंभीर ने बाबर आजम, नंबर वन बाबर आजम के लिए क्या कहा। नंबर और रैंकिंग को बढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन मैं कहूं तो असली नंबर वन प्लेयर वही होता है जो अपनी टीम को जीत दिलाए। बाबर आजम ने 8 शतक लगाने के बावजूद एक भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। बता दे कि बाबर आजम इस मुकाबले में सिर्फ 50 रन बना सके, इस दौरान उन्होंने 65 गेंदों का सामना किया और एक खराब शॉट खेलकर अपना विकेट क्विंटन डिकॉक के हाथ में थमा बैठे। तो कुछ ये आपको देखने को मिला बाबर आजम की इस पारी के अंदर, जहां पर बाबर आजम ने 50 रन तो बनाए लेकिन गेंदे 66 ले लिया। अब उस 50 रन का क्या फायदा, ये आप बाबर आजम से पूछिए, आप पाकिस्तानी टीम से पूछिए, बाकी सबसे पूछिए जो सिर्फ प्रेशर नहीं ले पाते, बाबर आजम के ऊपर ज्यादा रिलायंट हो जाते और कहीं ना कहीं जो रीजंस आए थे पिछले मुकाबले के अंदर, अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला मुकाबला देखें, उस मुकाबले के अंदर बाबर आजम का 50 आया था, 74 रन बनाए थे, 92 गेंदों पर बनाए थे। अब्दुल रजाक जो कि पूर्व क्रिकेटर है, क्रिकेट एक्सपर्ट है करंटली, उन्होंने भी सवाल उठाए थे बाबर आजम के इंटेंट के ऊपर कि बाबर आजम जो ये गेंदे ज्यादा ले जाते हैं, जो इफ्तिकार आता है, शदाब आते हैं बाद में, उनके ऊपर प्रेशर आता है, बाबर आजम उस गेंदों को जस्टिफाई नहीं कर पाए, जैसे कि विराट कोहली जो गेंदे ज्यादा लेते हैं लेकिन विराट कोहली फिर मैच को जिताकर ही वापस आता है अपनी टीम के लिए, विराट कोहली को ज्यादा गेंदे लेने वाली चीज को जस्टिफाई करते हैं। और दोनों मैचों के अंदर बाबर आजम एक तेज मतलब रन गति को तेज करने के चक्कर में आउट हो गए, जो कि बाबर आजम का नेचुरल वे ऑफ प्लेइंग नहीं है। और बाबर आजम ने इसके अलावा गौतम गंभीर ने यह भी कहा कि ओडीआई क्रिकेट इज ऑल अबाउट स्कोरिंग 100, यानी कि 50 से कुछ नहीं होता, आपको शतक बनाना पड़ेगा, आपको 300 350 अगर बोर्ड के ऊपर लगाना है तो सेंचुरी से नीचे बात नहीं होगी। और खासकर इस वर्ल्ड कप के अंदर जहां पे 400 350 350 मजाक में बन रहे, साउथ अफ्रीका की टीम लगातार 350 400 रन बना रही है, तो ऐसे टाइम पे अगर आपकी टीम 300 भी ना बना पाए तो सवाल आपके ऊपर खड़े होने तय है। फिलहाल इस वीडियो में